झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार नियुक्ति पत्र का वितरण कर रहे हैं और इस बीच आज हाई स्कूल शिक्षकों के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नियुक्ति पत्र का वितरण करेंगे और इसको लेकर तमाम लोग मोराबादी पहुंचे हैं। तस्वीर के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि अलग अलग जिलों से तमाम सफल अभ्यर्थी इस वक्त मोराबादी पहुंचे हुए हैं। कुछ सफल अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़ी हैं, उनसे बातचीत करेंगे और उनके संघर्ष के बारे में जरूर हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। 2016 के बाद लगातार आप लोग नियुक्ति का इंतजार कर रहे थे, ये बताइएगा संघर्ष कैसा रहा और आज कैसा लग रहा है? आज तो इतना ओवरवेलमिंग, बहुत हैप्पी और बहुत खुशी हो रहा है अंदर से कि मिल रहा है ये एज अ शिक्षक, एज अ और इतना दिन का संघर्ष आज काम आया। वी आर वेरी हैप्पी। कोर्ट कचहरी तक आप लोग पहुंच गए, आंदोलन भी देखने को मिला आज नियुक्ति पत्र, थोड़ा संघर्ष के बारे में बताइएगा कि 2016 अब 2023 इस बीच आपने क्या क्या किया? कैंडल मार्च से लेके कोर्ट कचहरी से लेके हर कुछ इतना स्ट्रगल रहा हम लोग का कि लास्ट में, लेकिन अंत भला तो सब भला, एट लास्ट हम लोग को ये जॉब पाके बहुत ही खुशी हो रहा है, बहुत ज़्यादा। से आई हैं आप? रांची से? रांची, आई एम फ्रॉम रांची। चलिए और भी हमारे साथ सवाल अभ्यर्थी, उनसे भी बातचीत करते हैं। संघर्ष आप लोगों का पुराना, कैंडल मार्च के साथ साथ आंदोलन, फिर कोर्ट कचहरी, अब जो संघर्ष है यहाँ आकर ख़त्म हो रहा है, कैसा लग रहा और संघर्ष कैसा रहा? संघर्ष बहुत ही कष्टमय था, जितना भी कहें वो कम है, क्योंकि हर पल हर क्षण ऐसा ही लग रहा था कि कब हम लोग अपने मंजिल तक पहुँचे और आज आखिरकार हम लोग पहुँच गए हैं। इसके लिए सरकार को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि हम बेरोजगारों को बहुत सहयोग हो रहा है, अपने घर परिवार और सभी लोगों का सहयोग इसमें जुड़ा हुआ है और सब लोगों का मेहनत जुड़ा हुआ है, इसलिए हम लोग बहुत खुश हैं। घर की स्थिति कैसी थी 2016 से 2023 की बात करेंगे तो? घर की स्थिति बहुत ही दयनीय थी, मैं एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी तो इसीलिए थोड़ा बहुत मैनेज हो जाता था, लेकिन अब बहुत अच्छा अब होने वाला है, जैसा भी हो बहुत खुशी हो रहे हैं। घर पर कौन कौन? घर पर है मम्मी पापा है और भाई बहन है, सभी अभी छोटे छोटे हैं। घर पर छोटा सा बिजनेस है, लेकिन भाई बहन का सारा पढ़ाई लिखाई का जिम्मेवारी अब है, तो इसलिए बहुत खुश है कि सबका हेल्प कर पाएंगे। जिम्मेदारी आप ही के सर पर थी? हाँ, जिम्मेवारी मेरे ही ऊपर है, इसीलिए बहुत खुश हैं। और साथ ही साथ ये भी कि टीचिंग लाइफ में मुझे आना बहुत अच्छा लगता था, शुरू से ही मैंने पढ़ाया है स्कूल में और अभी भी पढ़ा ही रही हूँ कंटिन्यू, और सारे बच्चों को वही इंस्पिरेशन देती हूँ, मोटिवेट करती हूँ कि वो भी अच्छा करे, अच्छा पढ़े और अच्छा से आगे बढ़े। 2016 के बाद संघर्ष काफ़ी रहा, घर वालों का सपोर्ट कैसा रहा? घर वालों का सपोर्ट भी अच्छा रहा और भगवान का भी आशीर्वाद रहा, बड़ों का आशीर्वाद रहा, सब अच्छे से फिर फाइनली हो गया। अभी दशहरा है, दुर्गा माँ की कृपा है, सरकार का सहयोग है और सब तरह से अच्छे से हो रहा है, बहुत खुश है। और भी सफल अभ्यर्थी हमारे साथ है, संघर्ष काफ़ी पुराना है आप लोगों का, कैसा रहा संघर्ष और आज कैसा लग रहा है? संघर्ष बहुत पुराना था और काफ़ी दिन वेट करना पड़ा, पर देर आए दुरुस्त आया, अच्छा आया। घर की स्थिति कैसी थी? घर में यही सोचना पड़ता था कि बच्चे कहीं और सेटल, हस्बैंड कहीं और सेटल और हमारा कहाँ होगा, पर भगवान की कृपा से जो भी हुआ अच्छा हुआ, एट लास्ट रांची जिला में सफल हो पाए, देर आए दुरुस्त आए। जी बिल्कुल। चलिए और भी हमारे साथ सफल अभ्यर्थी है, उनसे भी बातचीत करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि कैसा रहा सफ़र, कैसा रहा संघर्ष, कैसा रहा और आज जो अंत हो रहा है वो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आप लोग ज़्यादा खुश होंगे, कैसा लग रहा है? नमो नमः, अहम अस्मि भूपेंद्र गौतमः, मम नियुक्ति अत्र संस्कृत भाषायाम अभवत। मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है कि 2016 की भर्ती आज 2023 में 16 तारीख को ही हो रही है और बड़ी नियुक्ति के दिन बड़ा ही आनंद का पल है। इसमें कई बार कोर्ट में, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में केस गया, उसके बाद आज लंबे अरसे के बाद बड़े ही मन में बार बार प्रश्न आ रहा था कि आखिरकार कब होगा, कब होगा, कब होगा, और आज जाके इस मुकाम तक पहुँचे हैं। व्यक्ति के जीवन में एक अभिलाषा होती है, जब वो कोई अध्ययन करता है तो वो सोचता है कि कब मुझे अपना लक्ष्य प्राप्त होगा, कब मुझे प्रसन्नता मिलेगी। उसी लक्ष्य की प्राप्ति की ओर ये पहला कदम, पहली सीढ़ी, जिसके द्वारा हम अपने इस
नियुक्ति को अपने माता पिता अपने गुरुजनों को समर्पित करते हैं और खुशी व्यक्त करते हैं कि ये 7 सालों में बड़े ही क्लेश हुए, बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। क्यों आप सोच सकते हैं कि एक इतने लंबे समय में कितना लॉस हुआ होगा एक अभ्यर्थी का, जब अभ्यर्थी 2016 में परीक्षा देता है, 18-19 में नियुक्ति होनी चाहिए थी और आज उसकी नियुक्ति इतने सालों बाद हो रही है, उसे कितना दंश झेलना पड़ता है, किस प्रकार से उसकी फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं, आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और मानसिक रूप से ही पीड़ित रहता है। तो इस प्रकार आज जो नियुक्ति हो रही है इसकी खुशी एक गुनी नहीं, दो गुनी नहीं, तीन गुनी, 4-5 गुनी है, क्योंकि इतने लंबे समय के बाद हो रही है और इसके बाद यहाँ पर नियुक्त होके हम कुछ काम कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे, अपने जीवन को और अच्छा कर पाएंगे। स्थिति कैसी रही है इन 7 सालों? जी, मेरे घर की स्थिति मीडियम, मैं मिडिल फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे पिताजी ISBT यानी रोडवेज में ट्रैफिक इंस्पेक्टर से रिटायर थे, लेकिन उसके बाद रिटायरमेंट के बाद थोड़ा होता है कि मैं घर में बड़ा हूँ तो उन्हें लगता था कि इसकी जॉब होनी चाहिए, लेकिन उस समय मैं अध्ययनरत था और लगातार पढ़ते हुए मैंने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी, मैं लगातार परीक्षाएं देता रहा, अध्ययन करता रहा, उसके बाद मैंने आगे भी पढ़ाई जारी रखी और अभी मैंने इसी मंथ मैंने अपनी PhD कंप्लीट की और उसके बाद मैं यहाँ आया हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरी जो स्थिति थी वो एक मध्यम परिवार से बिलोंग करता हूँ, लेकिन अभी वर्तमान में अच्छा लग रहा है कि अभी एक शुरुआत अच्छी हो रही है जिससे कि अभी स्थिति मजबूत होगी। कैसा लग रहा है संघर्ष कैसा? बहुत अच्छा लग रहा है, इस समय बहुत प्रसन्नता आ रही है दिमाग में, हमने बहुत सारा कष्ट झेला है इस समय, बहुत बार मानसिक पीड़ा बहुत होती थी कि कब जॉब मिलेगी, कब क्या होगा, बार बार नंबर आता था, बार बार रोक लग जाती थी और बीच में कई बार नंबर आया फिर बाहर निकाल देते थे, तो इस तरह हमने बहुत संघर्ष झेला है और बहुत संघर्ष के बाद आज हमने ये मुकाम पाया है और आज बहुत प्रसन्नता हो रही है, दुगनी तिगनी प्रसन्नता हो रही है और आगे जाके भी हम इस प्रसन्नता से जोश के साथ स्कूलों में काम करेंगे, अध्यापन करेंगे, बच्चों को आगे पढ़ाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। कहा जाता है ना कि अंत भला तो सब भला, और ऐसे में तमाम जो सफल अभ्यर्थी है इस वक्त मोराबादी पहुंचे हुए हैं और इनके चेहरे से आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि कब से ये लोग इंतजार कर रहे थे इस नियुक्ति का। साथ ही साथ कई लोगों ने ये कहा कि नियुक्ति नहीं होने की वजह से डिप्रेशन में भी चले गए थे, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं तो आज हमें ऐसा लग रहा है कि मानो आज हम जंग जीत गए हैं। फिलहाल मुझे दे इजाजत, सहयोगी विकास के साथ मैं करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 को।